पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं वहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। दरअसल आज पीएम मोदी गुजरात को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। दूसरे दिन कच्छ दौरे पर जहां पीएम मोदी ये रोड शो कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए हर किसी में किस तरीके का जोश जुनून साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि गुजरात की देखिए अगर खास तौर पर बात करें तो अलग रिश्ता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से, और यही वजह है कि हर कोई अपने से जोड़कर पीएम को देखता है। अगर देखिए भुज की बात करें, क्योंकि जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, भुज में स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन पीएम की तरफ से किया जाएगा। दरअसल ये स्मारक जो है वो 2001 के भयानक भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की याद में बनाया गया है। पीएम मोदी अंजार में भूकंप में मारे गए 185 बच्चों की याद में बने हुए वीर बाल स्मारक समेत कई परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले की दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से पीएम हमेशा, हालांकि पीएम का यही रवैया रहा है कि अगर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए जनता उत्सुक होती है तो आखिर किस तरीके से पीएम भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। गाड़ी से बाहर निकलकर हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट साफ तौर पर नजर आती है जब भी गुजरात के दौरे पर पीएम पहुंचते हैं, क्योंकि अपने साथ जो है लोग वहां पर उन्हें समझते हैं। कभी एक प्रधानमंत्री के तौर पर तो समझा ही जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनका अपना जो है वो यहां पर पहुंच गया, और उसी तरीके का जेस्चर हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रहा। हालांकि इसी साल के अंत में गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पीएम का ये दौरा जो है अपने आप में बहुत खास हो जाता है। लेकिन देखिए सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की कच्छ शाखा नहर का भी इनॉग्रेशन जो है वो पीएम की तरफ से किया जाएगा, जिससे इलाके में जल आपूर्ति को एक बढ़ावा मिलेगा। तो ये देखिए तीन तस्वीरें, हर किसी के हाथ में झंडा लहराता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखिए, हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और आज जो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री गुजरात को देने वाले हैं जिसमें याद किया जाएगा उन 2001 के भयानक जब भूकंप आया था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, ये तस्वीरें हालांकि हर बार निकलकर सामने आती है जब प्रधानमंत्री गुजरात में पहुंचते हैं, लेकिन आज की तस्वीर अपने आप में खास है, एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन पीएम करेंगे। बिल्कुल, देखिए गुजरात में आज और खासतौर पर कच्छ में आज लगभग 3000 करोड़ की लागत से जो विकास कार्य हैं उसका उद्घाटन हो रहा है। आप जिस तरीके से बात करें गुजरात से, और गुजरात में भी खास पीएम मोदी का कच्छ से लगाव, वो शुरुआत 2001 के भूकंप से ही रहा है। जब उनकी राजनीतिक करियर की, सक्रिय राजनीति की जो शुरुआत हुई उसमें जो कच्छ का भूकंप है उसने काफी अहम योगदान दिया, क्योंकि बड़ी चुनौती, जैसे वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय पहले उसको रिस्टोरेशन, कच्छ को रिस्टोर करना वो बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती थी, और कच्छ की काया पलट कैसे हुई, कच्छ पूरी तरह से कफन में दफन हो गया था और लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौतें हुई थी, लेकिन कच्छ को जिस तरीके से खड़ा किया, जिस तरीके से कच्छ की शक्ल सूरत बदली गई, ये अपने आप में देखते हो। और आज गुजरात ही नहीं, देश ही नहीं, लेकिन दुनिया में कच्छ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है। उसके पीछे की अगर कोई सोच रही है तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही रही है कि गुजरात में कच्छ में वो माता है, कच्छ में वो तारा है। लेकिन चुनाव आने वाले हैं गुजरात में, और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में कैसी है वो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये जो आप रोड शो जो देख रहे हैं वो दरअसल एयरपोर्ट से स्मृति वन का लगभग 3 किलोमीटर का ये रास्ता है, उसमें लोग हैं कच्छ के जो वो यहाँ पर आए हैं, उनको अभिवादन का ले रहे हैं। देखिए देखिए इसकी खुशी इसलिए भी है क्योंकि कच्छ में जो नर्मदा का पानी पहुंचा है ये वहाँ पर जो 6 बड़े तहसील हैं उन 6 तहसीलों में पहुंचेगा, और लगभग यहाँ पे कहें कि लगभग 18 से 19 जो बड़े गांव हैं उनको शहरों के साथ साथ वहाँ लोगों को पीने का और सिंचाई का पानी दोनों मिलेगा। तो वहाँ पर कच्छ आप जैसे जानते हैं कि पानी की किल्लत से हमेशा जूझता रहा है, रन है, रेगिस्तान है, ऐसे में नर्मदा का पानी अगर आप ज्योग्राफिकल भी चीजें समझे तो नर्मदा का पानी, नर्मदा है वो नीचे की तरफ है जबकि कच्छ ऊपर की तरफ है। नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना तो वहां पंपिंग स्टेशन लगा के एक इंजीनियर के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पीएम मोदी को पूरा भरोसा था कि उनका जो विजन है वो पूरा करना है, तुम होगा, और ऐसे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, तो जो नामुमकिन चीजें थी उसको किस तरीके से उन्होंने आदेश देकर इन चीजों को अमली जामा पहना है ये आप अपने आप में। और ये जो कैनाल के जरिए जो पानी पहुंचा है वो कई किसानों को पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई की योजनाओं को भी
लागू होगा। तो इससे बिल्कुल जनक, और 2001 की अगर हम बात करें, कच्छ को ने जो वो मंजर देखा था वो कभी कोई नहीं भूल सकता, और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ही थे, और यही वजह है कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे और गुजरात का दौरा किया था तो सबसे पहले उनका एक ही वादा दिया गया था कि देखिए कच्छ में वो स्मारक स्थल बनाया जाएगा ताकि उन लोगों को ना भुलाया जा सके जो इसमें जिनकी मौत हुई थी। बिल्कुल, देखिए स्मृति वन की बात कर रहे हैं आप, स्मृति वन ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे था पीएम मोदी का कि पूरे जो गुजिया जो पहाड़ है उस पर ये स्मृति वन बनाने का, एक समय पर ये इंडियन आर्मी के भारतीय सेना के हाथ में उसका कब्जा होता था, वहाँ वहाँ पर कई विस्फोटकों की जो ट्रेनिंग होती थी वो होती थी, लेकिन 2009 के बाद पूरा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों भारतीय सेना के जरिए वो जगह दी गई, और उसके बाद स्मृति वन पीएम मोदी का विजन था कि 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हुई और वो विनाशक भूकंप जिसने पूरी तरह से कच्छ को तबाह कर दिया था। तो इतिहास को, चीजों को याद रखना चाहिए, कैसे कच्छ खड़ा हुआ, उनकी किस तरीके का मादा है, किस तरीके की खुमारी है कि कच्छ खड़ा होने की मादा रखता है, और आखिर वो 12 सालों में कच्छ किस तरीके से पूरी तरह से कच्छ खड़ा हुआ, वो सारी चीजें उस स्मृति वन में रखी गई है। 12,000 लोगों की मौत हुई उनके नाम अते पते के साथ, उसके अलावा सिमुलेशन वहां पर रखे गए हैं जहां पर आप अंदर जाते हैं स्मृति वन के अंदर तो आपको बकायदा वो भूकंप का एहसास कराएंगे, उस तरीके से वहां डोम बनाए गए हैं। तो अलग अलग सारी चीजें, न कि केवल स्मृति वन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे आने वाले दिनों में, रणोत्सव तो आपने देखा है कच्छ के रण में, अभी आप देखें कि किस तरीके से खूबसूरती वहां पर रहती है और लोग वहां पर टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे जाते हैं। बिल्कुल जनक, और वो जो जख्म है वो आज भी कच्छ के लोगों के दिल में जिंदा है। आप हमारे साथ बने रहिए जनक, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये रोड शो जो भुज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा भुज जो है वो सड़कों पर उतर आ गया है। जनसैलाब देखिए, एक तरीके की रैली जो है यहाँ पर नजर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। बीच में प्रधानमंत्री की गाड़ियां, उनकी सिक्योरिटी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों तरफ रोड की अगर आप नजर डालेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है सिर्फ गुजरात के अंदर नहीं, भारत के कोने कोने में अगर आप चले जाएंगे तो कुछ इसी तरीके की लोकप्रियता जो है वो देखने को मिलती है। और यही वजह है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लोहा जो है वो विदेशी भी मानते हैं। और आज अब देखिए चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भुज की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रोड शो के लिए पहुंचे हैं, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा रवैया भी रहा है कि जब भी वो गुजरात जाते हैं तो लोगों से सीधे तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते वो सीधे तौर पर मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन लोग निराश ना हो इसीलिए वो एक रोड शो जरूर करते हैं कि लोगों से, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर सके, लोगों से मुलाकात कर सके। और हालांकि हमने कई बार देखा है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कई बार जनता के बीच में चले जाते हैं, चाहे वो लाल किले की प्राचीर की अगर हम बात करें या फिर गुजरात की बात करें। लगातार जनक दवे हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, ये प्यार, ये जो मोहब्बत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात वासियों की है वो इसी बात से पता चल जाते हैं कि कच्छ शाखा नहर की अगर हम बात करें तो करोड़ों लोगों को इससे फायदा होने वाला है। जनक आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? लगता है जनक तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे, फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए गुजरात वासी यानी कि भुज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भुज में ये देखिए किस तरीके से वहां पर महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, उम्र की कोई सीमा नहीं है, हर कोई वहां पर पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भुज में स्वागत करने के लिए। पूरा का पूरा भुज देखिए सड़कों पर आ गया है। स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज देखिए आपको उनके कार्यक्रम की अगर हम बात कर ले तो देखिए 2 दिन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात का था, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कच्छ में रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ भुज की अगर हम बात करें तो स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा। दरअसल ये स्मारक जो है 2001 में जो भयानक भूकंप आया था और उसमें जिस तरीके से लोगों की मौत हुई थी, जानकारी जनक भी दे रहे थे 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, उन्हीं लोगों की याद में आज ये स्मारक जो है वो बनाया गया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी अंजार में भूकंप में मारे गए 185 बच्चों की याद में बने हुए वीर बाल स्मारक समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़े प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा जिसका नाम है कच्छ शाखा नहर। उससे सिर्फ किसानों को ही नहीं कई लोगों को फायदा होने वाला है जिससे इलाके में जल आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। मंजिला ट्वीन टावर होगा धड़ाम, कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचाई वाला टावर होगा जमीन दोस्त, 3,500 किलोग्राम विस्फोटक से भ्रष्टाचार की इमारत का होगा
महज 9 सेकंड्स में ढहा दिया जाएगा। इसका मलबा हटाने में 3 महीने का लगेगा वक्त। विस्फोट से भारी धूल का गुबार उड़ेगा, 500 मीटर तक असर होगा। पौने 9 मीटर में बसे सोसाइटी में रह रहे 660 परिवार, 500 मीटर में इलाका खाली, 1396 फ्लैट्स खाली कराए गए। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नोएडा में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। वहीं नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाएगा। 2 बजे ट्विन टावर का काउंटडाउन, 3 बार बजेगा सायरन और ठीक 2:30 बजे गिर जाएगा ट्विन टावर। तो 54 कैमरों और 9 ड्रोन से महा कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर लगातार जारी है। आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुमंजिला इमारत जिसे ध्वस्त किया जाएगा 2:30 पे, वही वो समय होगा जब ग्रीन रंग का बटन दबाया जाएगा और उसके बाद ये धराशायी होती हुई बिल्डिंग नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 7 बजे तमाम जो आसपास के फ्लैट थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो एमराल्ड कोर्ट और ATS विलेज पर बताई जा रही है, ऐसे में उन दोनों सोसाइटी को खाली करा लिया गया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अवैध तरीके से बनाए जा रहे नोएडा के ट्विन टावर को कुछ घंटे बाद गिरा दिया जाएगा और नोएडा के ट्विन टावर से जुड़ी ये बहुत बड़ी जानकारी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। टावर के गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है।